तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ए फोटोग्राफ, जो शर्ले टॉल्सन द्वारा लिखा गया है। तो ये एक पोएम है और इसमें जो है हम लोग लाइन बाय लाइन जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पोएम में है क्या चीज़ और बताया क्या गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। अस्टेंजा जानने से पहले मैं कुछ ये पोएटिस कवित्री है जिनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1924 ईस्वी को और डाइड हुई थी 23 सितंबर 2018, ठीक है, 2018 में इनका मृत्यु हो गया था। और इनका पूरा नाम कैथलीन शर्ले टॉल्सन है, जो एक इंग्लिश राइटर थी, पोएट थी और जर्नलिस्ट थी और लोकल पॉलिटिशियन भी थी। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और इसमें समझते हैं कि आखिर ये फोटोग्राफ में क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि आखिर है क्या इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। ठीक है, कार्डबोर्ड मतलब होता है पिक्चर, ठीक है, तस्वीर जिसको बोलते हैं। तो कार्डबोर्ड यानी फोटो, यानी ये फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया कि द कार्डबोर्ड शोज, यानी ये तस्वीर दिखाती है, क्या दिखाती है कि मी हाउ इट वॉज, कि उस समय कैसा दृश्य था। ठीक है, वेन द टू गर्ल्स, जब दो लड़कियां, यानी दो लड़कियां कजन जो दो, वेंट पैडलिंग। दोस्तों यहां पर पैडलिंग का मतलब होता है छप छपाते हुए। ठीक है, तो वेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, इसका मतलब हुआ कि जब दो चचेरी लड़कियां पानी में छप छपाती हुई जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है कि ईच वन होल्डिंग, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए। ठीक है, तो ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक ने पकड़े हुए था क्या, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के हाथ। ठीक है, यानी प्रत्येक ने मेरी माँ के हाथ को पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की थी, ठीक है, और वह जो बड़ी लड़की थी सम 12 ईयर्स, और जो लगभग 12 वर्ष की थी, ठीक है, तो उनमें से प्रत्येक ने मेरे माँ के एक एक हाथ को पकड़ रखा था, और उनमें से एक बड़ी लड़की जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, ठीक है, तो ऑल थ्री स्टूड, स्टूड मतलब स्टील मतलब स्थिर, ठीक है, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। ठीक है, मतलब वे तीनों अपने बालों को बिखरे हुए मुस्कुराती हुई खड़ी थी। ठीक है, एट द अंकल विथ द कैमरा, और जो अंकल थे वो कैमरा लिए हुए थे, ठीक है, और क्या कर रहे थे, फोटो ले रहे थे। ए स्वीट फेस, यानी वे कैमरा लिए हुए खड़े चाचा जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ठीक है, माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, मतलब कि और मेरी माँ का चेहरा मेरे जन्म से पहले बहुत सुंदर थी। ठीक है, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, ठीक है, चेंज्ड लेस मतलब हुआ कि वह, यानी और वह सागर जो बहुत ही कम चेंज लग रहा था, और वो सागर जो बहुत ही कम चेंज लग रहा था, मतलब कम परिवर्तन लग रहा था, ठीक है, तो वास्ट देर टेरिबली ट्रांसियंट फीट। देखो यहाँ पर टेरिबल मतलब होता है भयानक, ठीक है, और ट्रांजिएंट मतलब होता है नश्वर, ठीक है, क्या होता है, नश्वर होता है। तो और वह उनके नश्वर पैरों को क्या कर रही थी, वॉश कर रही थी, धो रही थी, ठीक है, यानी सागर जो था वो उनके पैरों को क्या कर रहा था, धो रहा था। ठीक है, तो ये है जो अस्टेंजा, ठीक है, और इसका मतलब जो है ये निकलता है, मैंने अभी बताया, इसको और अच्छे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अस्टेंजा को जो है हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब आगे के अस्टेंजा में देखते हैं कि क्या जो है पोएटिस कह रही है। ठीक है, अब सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, ठीक है, कुछ 20 है ना 30 सालों बाद, सी हैड अ लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब होता है फोटोग्राफ, ठीक है, जो तस्वीर होता है, ठीक है, तो सी हैड लाफ्ड मतलब वो हंसती, ठीक है,
एट द स्नैपशॉट, यानी तस्वीरों को देख करके वो क्या करती, हंसती। सी बेटी एंड डोली, बेटी और डोली दो कजन है यहाँ पर, ठीक है, बेटी और डोली को देखो और वो देख करके क्या होती थी, हंसती थी, ठीक है। तो कुछ 20-30 सालों बाद वह उसके फोटो को देख कर क्या करती, हंसती, बेटी और डोली को देख करके, ठीक है। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी होलीडे, ठीक है, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी होलीडे, मतलब वह कि देखो उन दिनों सागर तट पर हम छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहने थे, ठीक है, कैसे कपड़े पहने थे। वाज हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर बोथ री विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, मतलब हुआ कि सागर तट पर बिताई गई छुट्टी उसके अतीत की क्या कर रही थी, बात कर रही थी, और मेरे लिए उसकी क्या थी, हंसी थी, ठीक है। नाउ सी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस, मतलब हुआ कि अब उस लड़की के गुजरे हुए लगभग उतने ही साल बीत गए जितने साल वह जीवित रही, और उस स्थिति के बारे में कहने को कुछ नहीं बचा, बस इसकी फोटो की जो खामोशी है मुझे शांत कर देती है। आखिर ये पोएट्रेस लिखी क्यों है और इसमें क्या बताना चाह रही है, अब जो है हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर इसमें ये फोटोग्राफ जो है आखिर इसमें है चीज क्या है। तो देखो ये जो इस कविता में वह बचपन की एक तस्वीर देखते हुए, यानी जो लेखिका है अपने बचपन की एक तस्वीर को देख रही है और अपनी माँ और अपनी यादों को याद करती है। जब उसकी माँ लगभग 12 वर्ष की थी, उसकी 12 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और अपनी माँ के निधन पर अपना दुख बयां नहीं कर सकती। इस कविता के माध्यम से कवित्री जीवन की नश्वरता का संदेश देती है। कवित्री यह दिखाना चाहती है कि जीवन में परिवर्तन की एकमात्र स्थिर चीज है। दोस्तों फोटोग्राफ केवल कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक सकारात्मक प्रिंट नहीं है, पॉजिटिव प्रिंट नहीं है, बल्कि यह उन पलों को कैद करता है जो कभी वापस नहीं मिलेंगे। कितनी बड़ी बात कही है दोस्तों यह कविता कवित्री की माँ को एक श्रद्धांजलि है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। वह अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर देख रही है जिसमें कार्डबोर्ड का एक फ्रेम है। तस्वीर में तीन लड़कियाँ हैं जिनमें बीच वाली लड़की सबसे बड़ी और लंबी है, यह उसकी माँ है। जब वह लगभग 12 वर्ष की थी तो उसके बगल में दोनों तरफ उसकी दो चचेरी बहनें बेटी और डॉली हैं जो उसका हाथ पकड़े हुए है और उससे छोटी हैं। वे समुद्र पर छुट्टियां मनाने के लिए नौकायन करने गए थे, तभी उसके चाचा ने तस्वीर ले ली। कवित्री अपने माँ के मधुर चेहरे को देखे बिना नहीं रह सकी। समुद्र ने उसके बेहद क्षणिक पैरों को छुआ जिससे पता चला कि वह वर्षों में बदल गई और समुद्र वैसा ही रहा। दोस्तों 20-30 साल बाद उसकी माँ तस्वीर देखकर हंसती थी, वह कवित्री को तस्वीर देखने पर मजबूर कर देती थी और उसे बताती थी कि उनके माता पिता समुद्र तट पर छुटिया उसकी माँ की पसंदीदा अतीत की यादें थी, जबकि उसकी हंसी कवित्री की पसंदीदा याद थी। उन दोनों ने कुछ ऐसा खो दिया जिसे वे बहुत संजोग कर रखते थे और फिर भी उस पल को दोबारा नहीं जी सकते। वे मधुर पल अब यादें बन गए थे। अब कवित्री माँ को मरे पिछले 12 साल हो गए थे, जो कि उनकी उम्र के बराबर है। जब तस्वीर ली गई थी माँ ने न रहने का जो दुख उसे हुआ उसे वह बयां नहीं कर सकती। दोस्तों अब कुछ है जो है क्वेश्चन उठ कर के आता है कि कैमरे ने कविता में क्या तस्वीर खींची है। तो इसका आंसर हो सकता है कि कैमरे ने कवित्री की माँ के बचपन के दिनों के एक खुशी के पल को कैद किया। यह तस्वीर तब ली गई थी जब कवि की माँ लगभग 12 वर्ष की
उम्र में अपनी दो चचेरी बहनों बेटी और डॉली के साथ समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने गई थी। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि फोटोग्राफ कविता का मुख्य विषय क्या है। तो दोस्तों फोटोग्राफ कविता का मुख्य विषय हानि है, स्मृति है और जीवन की क्षण भंगुरता है। यानी इससे पता चलता है कि लोग कैसे मर सकते हैं लेकिन एक अजीब तरीके से वे यादों के रूप में जीवित रहते हैं। ये यादें सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि तस्वीरों की तरह मूर्त रूप में भी ले सकती है। तो दोस्तों ये जो है कुछ है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना, और अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करना।